नमस्कार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्री इस समय पर लगातार अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जो कि है सबका साथ सबका विकास, लगातार काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है और इसी उपलक्ष्य पर हमारे साथ मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पर। हमने देश का दुर्भाग्य कहेंगे एक तरह से कि आज़ादी के लगभग 60 साल बाद भी 30 करोड़ लोगों के पास तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। वो लोग अब आपके सामने उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं कि हर घर तक बिजली पहुंचे, 24 घंटा बिजली पहुंचे। कब तक वो लक्ष्य पूरा करेंगे? वैसे कई बार विरासत में जो चीज़ मिली होती है वो डिफाइन करती है आगे आप कैसा काम करोगे। और वास्तव में जब ये विभाग मुझे मिला, मुझे ज़रा भी कल्पना नहीं थी कि आज़ादी को 67 वर्ष हो गए थे, लेकिन इतना गंभीर समस्याओं से उलझा हुआ ये क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को विरासत में मिला। लेकिन इन्होंने एकदम अर्जुन की आँख की तरह इस पर अपनी नज़र रखी कि कैसे एक एक गांव तक बिजली पहुँचे, कैसे किसानों को पर्याप्त मात्रा में आगे चल के बिजली की व्यवस्था हो, हर घर तक पहुँचे। आखिर आप सोचिए, कैसे हम सोच सकते हैं कि बच्चों को कम्पीट करें बाकी देश के लोगों के साथ, जिन्होंने 60-70 वर्षों तक अपने घर में कभी बिजली नहीं देखी है, जो बचपन से आज तक कई लोग तो बुजुर्ग हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए, लेकिन कभी बिजली का स्वाद नहीं देखा। और आज तो बिजली कोई लग्जरी नहीं है, तो एकदम औपचारिकता है, कह रहे कि यहाँ बिजली रहनी चाहिए। तो हमने जब इसका पूरा स्टडी किया तो ध्यान में आया कि इसको 2022 तक हम एक पूरा प्लान बनाए कि कैसे 2022 तक हर घर में 2400 घंटे सस्ती बिजली, अच्छी बिजली, और एक पर्यावरण को भी, सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए बिजली के पूरा योजना बनाई गई, उसका काम अमल करना शुरू किया गया। उसमें बीच बीच में प्रधानमंत्री से जब जब चर्चा होती थी तो वो और एग्रेसिव टारगेट्स हमारे सामने रखते थे, और एक प्रकार से वो वास्तव में डिफाइनिंग मोमेंट रहा हमारे काम का। क्योंकि अगर आप अपने आप को चैलेंज नहीं करो, अपने आप को और ज़्यादा तेज़ी से काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करो, अपनी टीम को और एग्रेसिव गोल्स के प्रति नहीं समर्पित करो, तो शायद इतना भी अचीव करना मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि आप लगातार ट्वीट करते हैं, कोई भी गांव का इलेक्ट्रीफाई होता है तुरंत ट्वीट करते हैं। क्या वो मोटिवेशन मिलता है कि आपको इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, लोगों तक बिजली पहुँचानी है? आप देखिए ना, 2 वर्ष में, मात्र 2 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष में आखिर इतने सारे काम, कोयले की शॉर्टेज से आज कोयला सरप्लस है देश में, बिजली की शॉर्टेज से आज बिजली सरप्लस है देश में, कहाँ हम सौर्य ऊर्जा 20,000 मेगावाट 2022 तक लगाने वाले थे, अब हम 20,000 मेगावाट शायद 2017 तक ही लगा लें, और 22 तक तो लक्ष्य 5 गुना 1,00,000 मेगावाट बना लिया है। ट्रांसमिशन लाइन्स देखे तो 2 वर्ष में 50,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन का जाल बिछा दिया। पावर प्लांट्स देखें तो गत 70 वर्षों में जितने पावर प्लांट्स लगे उसके कुल का 2.5 लाख मेगावाट थर्मल प्लांट्स हैं, उसमें से 45,000 तो गत 2 वर्षों में कंप्लीट हुए और कमीशन हुए। तो जिस क्षेत्र को निकालें आप, कोयला विभाग में हो, बिजली विभाग में हो, नवीकरणीय ऊर्जा में हो, तीनों में जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुआ है 2 वर्ष में, और प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से लगातार प्रोत्साहन भी रहा और एक तरीके से हमारे ऊपर नजर भी रही जी, उसकी वजह से आज मैं कह सकता हूँ कि शायद इसी स्पीड पे चला तो जो उन्होंने 1,000 दिन का लक्ष्य रखा कि हर गांव तक बिजली पहुंचे, जो 18,500 बिल्कुल सबसे तकलीफ वाले गांव थे, आप सोचिए 70 वर्ष लग गए, मतलब कितनी कठिनाई होगी। 2012-13 में इनफैक्ट यूपी में शायद 2 या 3 गांव थे जो शायद इलेक्ट्रीफाई हो पाए थे। आपको बताऊं तो ये भी बड़े मजेदार आंकड़े सामने आए, जब मैं मंत्री बना तो मैंने कहा जरा देखें पहले क्या चल रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में 2012-13 में 3 गांव में नई गांव में विद्युतीकरण हुआ, ये सब कठिन गांव थे। 13-14 में 0 बिल्कुल, तो 2 वर्ष हमारे आने के पहले में मात्र 3 गांव, और प्रधानमंत्री जी की सरकार आने के बाद 2 वर्ष में 1,364 गांव, इतना परिवर्तन हुआ 2 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, उत्तर प्रदेश की 4 साल की अगर कार्यकाल देखें सरकार। लेकिन ये क्यों हो पाया? क्योंकि लगातार पीछे लगे रहे, लगातार अवार्ड हुए कि नहीं, टेंडर काम क्या हो रहा है, बिजली के खंभे गए कि नहीं, लगे कि नहीं, एनर्जाइज हुए कि नहीं, हमने 12 माइलस्टोन में इस पूरे काम को डिवाइड कर दिया। और हमारी जो ऐप है गर्व ऐप,
उसमें अगर कोई भी जाए तो पूरी डिटेल्स उसमें ट्रांसपेरेंटली दी जाती है। और हमने 500 ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता से इसको मॉनिटर भी कराया और इसकी रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पे डाल दी, अपने इस मोबाइल ऐप पे डाल दी। तो पूरी जनता और खासतौर पे मैं मीडिया के अपने भाइयों बहनों को बार बार कहता हूँ कि आप हमारे काम का निरीक्षण करते रहिए, हमारे ऐप्स में आपको सब जानकारियां मिलेंगी जी। उसमें से आप मॉनिटर करिए और हमें बताइए क्या काम कम है, ज्यादा है, किधर सुधार की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप देखें तो मुझे लगता है कि ये 18,500 गांव जिसमें प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को 1000 दिन की समय सीमा रखी थी, हम उसको शायद अगले वर्ष तक ही पूरा कर देंगे, 1 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल। और अगर घरों की बात करें और मजले टोले, ऐसे हजारों मजले टोले हैं देश भर में, धानियां हैं दूर दूर की जहां विद्युतीकरण हुई नहीं है, हम चाहते हैं कि उन सब की विद्युतीकरण हम 2019 तक लगभग अधिकतर देश में सभी जगह बिजली पहुंच जाएगी, 100% बिजली पहुंचा। चलिए, बिजली पहुंचाना तो एक बात हुई, लेकिन 2012 में हमने एक और एपिसोड देखा था ग्रिड फेलियर का। आप लगातार ये वाली बात भी करते हैं, वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस, ये रियलिटी कब तक होगी? अगर ऐसे कुछ होता है कि अगर ग्रिड फेलियर होता है, क्या मंत्रालय तैयार है उस चीज के लिए? देखिए, ग्रिड फेलियर के लिए तो लगभग हमने इतने ज्यादा इसमें फायर वॉल्स बना लिए हैं, इतने ज्यादा इसमें स्ट्रेंथन किया है ग्रिड को कि मैं समझता हूँ वो समस्या तो अभी आने से रही। और इतनी तीव्र मॉनिटरिंग होती है 24 घंटे, सेकेंड टू सेकेंड द पावर ग्रिड इज मॉनिटर्ड बाय पोसोको, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ अब वो समस्या जो अगस्त जुलाई अगस्त 2012 की थी, अब हम उसको कभी इस देश में आने नहीं देंगे। और मेरा तो पर्सनल एक कोशिश है कि अगले 2 वर्ष में हम देश में वन नेशन वन ग्रिड वन प्राइस की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन आपको विरासत में शायद बहुत कर्जा मिला है, डिस्कॉम्स की बात कर लेते, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की 4 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा, बैंक्स भी लेकर के बैठे थे इसके ऊपर, क्या उदय जो स्कीम है किस तरह का रिस्पांस स्टेट्स दिखा रहे हैं समय पे, कब तक सारे के सारे स्टेट्स ऑन बोर्ड आ जाएंगे इस समय पर मान के चले? ऐसे उदय, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना वास्तव में मेरी स्कीम नहीं है, केंद्र सरकार की स्कीम है। ये स्कीम सभी जो स्टेक होल्डर्स थे, सभी भागीदारी जिस जिस की थी, फिर वो राज्य सरकारें हों, डिस्कॉम्स हों, बैंक्स हों, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हों, को सप्लायर्स हों, केंद्र सरकार के अलग अलग उपक्रम हों, इन सब को जोड़ के ये पूरा उदय की योजना की कल्पना की गई। तो इसमें एक बॉटम अप अप्रोच जिसमें सबकी भागीदारी से सबके फायदे को ध्यान में रखते हुए स्कीम को बनाया गया, और इसमें एक विन विन की पूरी कल्पना है। इसके जो जो योजना में जो जो बिंदु हैं, हर एक बिंदु में सबका लाभ है। जब सबका लाभ है तो हम इसको पूरी योजना को वॉलंटरी कर पाए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हमने राज्यों को कहा आपकी मर्जी है, आप जुड़ना चाहें आप जुड़िए, इसका लाभ लीजिए, नहीं जुड़ना चाहें मत जुड़िए। रिजर्व बैंक अपनी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट में कहता है कि स्टेट्स की बैलेंस शीट पे इंपैक्ट पड़ेगा। मैं समझता हूँ उन्होंने अपना एक प्योर इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से कुछ बातें लिखी हैं, शायद जिस व्यक्ति ने वो लिखी उसकी पूरी समझ में कुछ कमी रह गई हो। हमारे अधिकारी उनसे बात करके उनको बताएंगे कैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ स्टेट फाइनेंस। ठीक है, क्योंकि शायद कहने को तो स्टेट फाइनेंस पे थोड़ा बोझ बढ़ा, लेकिन ये वास्तव में बोझ स्टेट का ही था। आखिर ये डिस्कॉम 100% स्टेट की थी, स्टेट के उपक्रम थे, तो चाहे वो लोग स्टेट में रिकग्नाइज नहीं करते थे कि ये हमारा कर्ज है, ये कर्ज उन्हीं का था। जैसे एक होल्डिंग कंपनी होती है और उसकी कोई सब्सिडरी हो, तो सब्सिडी का कर्ज होल्डिंग कंपनी के बैलेंस शीट पे नहीं आते, तो होता होल्डिंग कंपनी का ही है। कब तक माने कि सभी स्टेट्स ऑन बोर्ड आ जाएंगे, क्योंकि विन विन सिचुएशन अगर है? लगभग सभी स्टेट्स आ रहे हैं, कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो शायद चुनाव के बाद जुड़ेंगे, पर प्रमुखता जितने बड़े स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी सबने, उत्तर प्रदेश के तो सीएम ने मुझे चिट्ठी लिख के संदेश दिया कि भाई ये मेरे देशवासियों मेरे प्रदेश में लोगों के इतने हित में कि मैं बहुत आनंद से आपके उदय स्कीम के साथ जुड़ रहा हूँ। बिहार ने हम चुनाव हारे उसके 15 दिन के भीतर हमें बताया कि हम उदय के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मोटा मोटी ये सबके हित में, सबके हित में विन विन सिचुएशन है। गोयल जी, एक बात समझने की कोशिश करें, आपका लगातार फोकस एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर, बिजली तो पहुंचानी है उसे कंजर्व भी करना है, 10 करोड़ एलईडी बल्ब आपने वितरण हो ही चुके हैं एक तरह से, आगे की क्या योजना है? ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक दिन बात कही थी और बड़ी अहम बात लगी कि जब हम बिजली खर्चते हैं तब 1 यूनिट खर्चते हैं, लेकिन उस 1 यूनिट खर्चने के पीछे 1.33 1.33 यूनिट उत्पादन करते हैं,
काफ़ी वेस्टेजेस, लाइन लॉसेज, चोरी वगैरह में जाता है और एक यूनिट फिर खर्च होता है। तो आप जितनी बिजली बचाओगे तो एक प्रकार से एक 33 हिस्सा उसमें जुड़ जाएगा जो बचत का होगा। तो तब से ये बात जहन में घुसी थी, तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी को एक बहुत प्रमुख मुद्दा बनाया अपने पूरे प्रोग्राम का। और आपको जान के खुशी होगी, ये एलईडी बल्ब्स को ले लीजिए, सरकार आने के पहले केंद्र सरकार की एक उपक्रम है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये 310 रुपए में प्रति 7 वाट का बल्ब खरीदती थी और पूरे वर्ष में 13-14 में 6 लाख बल्ब खरीदे थे। हमने उसको प्रोजेक्ट को एक अलग डायमेंशन दिया कि हमें 5 वर्ष के अंदर इसको पूरे देश में एलईडी का जाल बिछाना है और हर घर में एलईडी होनी चाहिए। उसकी योजना बनाई, उसकी ट्रांसपेरेंट बिडिंग की, पारदर्शिता से पूरे काम को आगे बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको याद होगा चुनाव के दिनों में हम कहते थे स्किल, स्पीड एंड स्केल, तो हमने इन तीनों को जोड़ते हुए एलईडी प्रोग्राम को एक नया रूप दिया। और आपको जान के खुशी होगी 7 वॉट के बदले आज हम 9 वॉट का बल्ब देते हैं और जो 310 में खरीदा जाता था आज 55 रुपए में खरीदते हैं। 83% रिडक्शन हुआ प्राइस में। अब उससे ये हुआ कि लोगों के लिए इतना अफोर्डेबल हो गया कि आज हर जगह, मैंने अभी अभी 30 तारीख को मध्य प्रदेश में लॉन्च किया, 3 करोड़ बल्ब का हमने शुरुआत की थी, हमारा अनुमान था 1-1.5 साल लगेगा, उन्होंने कहा हम 4-6 महीने में ये खत्म कर देंगे, हमें 7 करोड़ और लेके दीजिए, हमें 10 करोड़ बल्ब बदलने हैं। ये बल्ब आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर यही मैन्युफैक्चर? हम सब अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बजाज, सूर्या, ओस रैम, ये बड़ी बड़ी कंपनियां इसको सप्लाई करती हैं। और इसका भी रिपोर्ट कार्ड आपको मैं एक ऐप बताता हूँ हमारा, ये ऐप है DELP.in, इसमें रियल टाइम हर मिनट जहाँ जहाँ पे भी बल्ब वितरण हो रहे हैं उसका डेटा एंटर होता है और वो वेबसाइट द्वारा लॉग ऑन करके यहाँ पे हर मिनट में, जैसे आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 10 करोड़ अभी समय है 2:07, बिल्कुल ठीक है ना, ये 2:07 का फिगर है। 10,21,92,428 यानी कि क्लोज टू अब 11 करोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और ये तो बढ़ते ही जाएगा, रोज बढ़ेगा। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी की बात करें, जो प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, पूरी गवर्नेंस को मोबाइल पे ला करके रख देंगे। और इसकी तो एक इतिहास आपसे और आपके दर्शकों से मैं शेयर करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इस ऐप के पीछे। एक दिन मैं कोयले के ऑक्शन के बारे में डिस्कस करने गया था और अपने पारदर्शिता कैसे लाना, ईमानदारी से कैसे करना, इसमें राज्य सरकारों को अधिक लाभ कैसे मिले, वो डिस्कस कर रहा था। आखिर में प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि एलईडी बल्ब कितने निकल गए हैं अभी तक। मैं चौंक गया एकदम तुरंत, मुझे फिगर पता नहीं था कि अभी तक कितने एलईडी बल्ब निकल चुके हैं। मैं कहा सब चेक करके बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री जी विद अ ट्विंकल इन हिज आईज मुझे पूछते हैं, पीयूष तुम्हें क्या लगता है ऐसे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा? तुम लोगों को मॉनिटर नहीं करोगे काम को, लोगों को अकाउंटेबल नहीं रखोगे, अपने काम के ऊपर निगरानी नहीं रखोगे तो काम कभी समय पे नहीं होगा। और उन्होंने अपने जनधन का अनुभव मुझे बताया। आप देखिए इस देश की दुनिया में जो साख बनी कि मात्र 4 महीने में इस देश के कोने कोने में हमारे बैंक के अधिकारी ने जाके 13 करोड़ अकाउंट मात्र 4 महीने में खोले थे, आज तो 22-23 करोड़ अकाउंट कितने खुल गए हैं, पर उन 4 महीनों में 13 करोड़ अकाउंट कैसे खुले? मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आप बुधवार को कैबिनेट में डिस्कस किया करते थे, बोले वहाँ तो मैं अपनी रिपोर्ट देता था तुमको, मैं मॉनिटर करता था हर सुबह 9 बजे किस राज्य में कितने अकाउंट खुले, किस डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत है, किधर दिक्कत लगती थी तो उस बैंक चेयरमैन से, कभी कभी उस बैंक मैनेजर से बात करता था। हर रोज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री जी मॉनिटर करते थे और 120 दिन की छोटी अवधि में 13 करोड़ अकाउंट खुले, जिसकी जब मैं डेवोस में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के साथ एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बैठक कर रहा था, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने कहा कि हम ये काम 15 वर्ष में करना चाहते थे जो काम आपने 4 महीने में किया। चलिए आपने एलईडी की तो बात की, लेकिन अब जो किसान भाई हैं आप कई जगह ये भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो एग्री पंप्स होते हैं वो आ रहे हैं, कब तक मान के चले इस दिशा के अंदर और भी इक्विपमेंट्स को लाने की कोशिश करेंगे जो कि राष्ट्रीय लेवल पे अवेलेबल होंगे? अब जब हमारा अनुभव एलईडी का इतना सफल रहा और हमने सीखा कि आप जब स्केल पे करो, बड़े स्केल पे और एफिशिएंटली और ईमानदारी से कोई प्रोजेक्ट करो तो उसके बहुत सारे पहलू सामने आते हैं जो एक प्रोजेक्ट को नया डायमेंशन दे देते हैं।
अभी हमने एग्रीकल्चर पंप्स को स्टडी किया, आपको जान के बड़ी हैरानगी होगी, इस देश में आज 2 करोड़ पंप हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, अधिकांश बाबा आदम के जमाने के, कोई 20 साल पुराना, कोई 40 साल पुराना, और समझो 20 हॉर्सपावर का पंप है तो वास्तव में वो 30-35 हॉर्सपावर खींच लेता है बिजली, और उसकी मोटर बार बार जलती है। आधे तो किसान इस देश में टेक्नीशियन बन गए हैं मोटर रिवाइंड कर करके। तो हमने अपने अधिकारियों को लगाया कि दुनिया में देखो बेस्ट पंप क्या है, मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट पंप, और 4, 4 स्टार 5 स्टार पंप्स हमने ढूंढ के निकाले हैं जिससे लगभग 30-35% बिजली की बचत होगी, और साथ ही साथ किसानों को जो असुविधाएं होती है बार बार पंप फेल होना वो भी कम हो जाएगा। तो अब एक स्कीम निकाली है जिसमें कई राज्य जुड़ रहे हैं, इस स्कीम के तहत हम निशुल्क बिना 1 रुपया लिए किसान को एक ब्रांड न्यू पंप देंगे, एनर्जी एफिशिएंट 4 स्टार या 5 स्टार पंप। ठीक है, उस पंप में हम एक कंट्रोल पैनल लगाएंगे, स्मार्ट कंट्रोल पैनल, जो हम स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, स्मार्ट कंट्रोल पैनल जिसमें व्यक्ति अपने SMS से पंप को चालू कर सकेगा मोबाइल फोन से घर बैठे और पंप को बंद कर पाएगा। उसमें फ्लो मीटर होगा कि पानी कितना निकला, अपने खेत को कितना देना है, उसके हिसाब से वो बिजली उतनी लगाएगा जितनी उसको खपत चाहिए पानी की। उससे सॉइल क्वालिटी भी सुधरेगी, आज एक सॉइल डिटेरियरेशन का बड़ा कारण है कि पानी ओवरफ्लो हो जाता है, पानी ज़्यादा रात को लग जाता है। अब व्यक्ति अपने घर बैठ के मॉनिटर कर लेगा कितना पानी चाहिए, उतने पानी पे बंद कर देगा। साथ ही साथ 5 वर्ष की फ्री वारंटी, कुछ गड़बड़ हुई तो उसको वापस देके जाना पड़ेगा या खुद ठीक करना पड़ेगा, किसान के ऊपर से वो बोझा भी निकल जाएगा। एक और चीज समझना चाहिए, हजारों रुपए का लाभ किसान को, और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बिजली बचेगी उस बचत में से उस पंप का भुगतान हो जाएगा। पीयूष गोयल जी, लगातार ट्रांसपेरेंसी पे आपका फोकस रहा है, विद्युत प्रवाह ऐप जो लॉन्च हुई है, आप जान सकते हैं कि क्या कुछ कहां पे क्या कुछ अवेलेबल है, कितनी बिजली सरप्लस में, 2.5 रुपए तक मैंने सुना है वहां पे भाव अवेलेबल है। इसका उद्देश्य ये था विद्युत प्रवाह का कि आज देश में जहां हम जाएं तो स्टेट बोलती है हमारे यहाँ कोई शॉर्टेज नहीं है, हमारे को कोई बिजली की जरूरत नहीं है, और जनता के पास जाए तो जनता रोती है कि हमें तो बिजली मिली नहीं रही है। जी। तो हमने ये सोचा कि जनता को के हाथ मजबूत किया जाए, तो विद्युत प्रवाह ये एक जो ऐप निकाला है इसमें पूरे देश का नक्शा है और हर 15 मिनट में पावर एक्सचेंज में किस दाम पे बिजली मिल सकती है वो दाम यहाँ पे दिखाया जाता है। तो अगर आप देखें इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में 2.10 रुपए, दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश में 3.10 रुपए, मणिपुर मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश में 2.10 रुपए, एवरेज वही 2 से 3 के आसपास एवरेज आते हैं, 2.52 रुपए में पूरे देश का अगर एवरेज ले तो 2.52 रुपए में अभी के समय बिजली उपलब्ध है, और 2,182 मेगावाट अभी अवेलेबल है, लोग ले इसको तो हम और सरप्लस अवेलेबल कर देंगे। पूरे समय 15-15 मिनट में आपको मिल जाएगा क्या दाम पे कितनी बिजली मिल रही है, और मैंने देखा है उससे डिमांड बढ़ते जा रही है बिजली की, आज जनता जागरूक हो गई है, आज इसमें देख सकती है। फिर क्या कारण है कि हमें बिजली में कटौती हो रही है, यूपी जैसा जो राज्य है, फिर और भी राज्य ले लीजिए, राज्य खरीदती नहीं है बिजली, अवेलेबल है बिजली पर खरीदती नहीं है, उसका कारण क्या है कि राज्य खरीद क्यों नहीं रहे हैं? वो उनको पूछे जनता, आखिर जनता बिल देने को तैयार है, जनता तरस गई है कि हमें 24 घंटे बिजली 2.5 रुपए के आसपास के और अभी उत्तर प्रदेश में 3.10 रुपए में मैंने अभी आपको बताया बिजली उपलब्ध है, तो क्यों नहीं खरीद रही है? तो हमारा उद्देश्य है कि जनता को सक्षम बनाए, ट्रांसपेरेंसी भी, और उसके पास ये डेटा हो कैसे वो लोगों को लोग सरकार से अकाउंटेबल सरकार को होल्ड कर सके। एक समय हमने वो भी देखा कि कोयले का एक शॉर्टेज था, पावर जनरेशन कंपनी के पास में 5-6 दिन का कोयला था, क्या सरप्लस में कोयला प्रोडक्शन रह पाएगा भारत के अंदर कि कोल की किल्लत ना हो? देखिए हमारी सरकार जब आई 2 साल पहले तब देश के 2/3 पावर प्लांट्स में कोयले की कमी थी, जिसको कहते हैं क्रिटिकल स्टॉक, 7 दिन से कम, और रोज हेडलाइंस यही होती थी कि कब देश में बिजली खत्म हो जाएगी, कब आपके घर अंधेरों में डूब जाएंगे, कब कारखाने बंद हो जाएंगे। अब ऑफकोर्स पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है, लोग उनको वो दिन याद नहीं है, पर मुझे खुशी होती है बताते हुए आज के दिन देश में पूरे देश में एक भी बिजली घर ऐसा नहीं है कोयले पर चलने वाला जिसमें बिजली के बनाने के लिए कोयले की शॉर्टेज हो, एक भी नहीं है, हर एक प्लांट में पर्याप्त मात्रा में कोयला है।
लगभग औसत देखें देश भर में तो 27 दिन का कोयला हर एक पावर प्लांट में, किस किस में तो 40-50 दिन का कोयला है। हमारे पिटेट्स में भी 55 मिलियन टन कोयला है जी। तो जब भी जिधर जरूरत पड़े हम तुरंत भेज सकते हैं। बिल्कुल, तो आज ये स्थिति है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। जितनी बिजली राज्य सरकारें चाहें, जितनी बिजली की उत्पादन की जरूरत पड़े हम कर सकते हैं। कोयले के खदानों में आज क्षमता ऐसी है, हमने दो वर्ष में 74 मिलियन टन प्रोडक्शन बढ़ाई है। 462 था दो साल पहले, पिछले वर्ष हमने 536 किया है। 74 मिलियन टन दो वर्ष में भारत के इतिहास में कभी बढ़ोतरी नहीं हुई। पिछले वर्ष 6.9%, उसके अगले वर्ष 8.6%, ऐसी बढ़त कभी कोयले की कंपनी में तो 1-2% रिकॉर्ड तो आपके रही है। 2.1 का आपका एनर्जी डेफिसिट चल रहा है। पिछले वर्ष कोयले के आयात इंपोर्ट लगभग 28,000 करोड़ रुपए हमने देश का विदेशी मुद्रा भी बचाई। इस वर्ष हम चाहते हैं कि और इंपोर्ट्स कम होकर लगभग 40,000 करोड़ की देश कब की तक हम मान के चले कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इंपोर्ट्स कब तक खत्म करेंगे? दो पहलू जरूर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। एक, कोकिंग कोल की भारत में कमी है। कोकिंग कोल हमें जरूर इंपोर्ट करना पड़ेगा, स्टील प्लांट्स में जो लगता है उसके लिए सक्षम होने में हमें नए रिजर्व्स मिले और कोकिंग कोल का उत्पादन करने में समय लग सकता है। और दूसरा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डिजाइन ही हुए इंपोर्टेड कोल पे चलने के, उनके डिजाइन पैरामीटर्स के हिसाब से कुछ प्लांट्स को इंपोर्ट करना पड़ सकता है। बाकी कोस्टल प्लांट्स तक के लिए हम इनलाइन वाटरवेज शिपिंग मंत्रालय के साथ, गडकरी जी के साथ लग के डेवलप कर रहे हैं, जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, दूर दराके के इलाके पे जहाँ रेलगाड़ी से जाना बड़ा महंगा पड़ता है, उधर हम कोस्टल रूट से भी कोयला पहुंचा रहे हैं। अब आखिर में समझना चाहेंगे, आप हाल में यूएस गए थे, सोलर एक इम्पोर्टेंट वहाँ पे इशू रहा था, किस तरह का रिस्पांस वहाँ पे लग रहा है? जो डेवलपिंग कंट्री एक इंडिया है, सोलर के लिहाज से क्या मान के चले आगे क्या कुछ रहेगा? आज भारत विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा के योजनाएं लेके काम कर रहे हैं। हमारी जो कल्पना है कि हम 1,75,000 मेगावाट, जो साधारणतः सब आपके दर्शक समझ पाए, उतने तक हम अपने देश की क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ाएं, जिसमें सौर्य ऊर्जा अकेले 1,00,000 मेगावाट का होगा। इससे एक हम पर्यावरण के प्रति जो अपनी निष्ठा है वो भी दर्शाते हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करते हैं। आखिर कल को कोयले में दिक्कत आए, कल को न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम ना मिले, कल को गैस मिलने में दिक्कत हो, लेकिन सूरज की किरणें और सूरज की हमारे ऊपर दया जी दृष्टि तो जिंदगी भर रहेगी। पानी बरसेगा तो हाइड्रो पावर बन सकता है, हवा चलेगी तो ये भी वजह है कि आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि रिन्यूएबल सोर्सेज में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है बजाय के कन्वेंशनल एनर्जी। ये आगे के वर्षों में आप ये देखते रहेंगे, आगे चल के लगभग 10,00,000 करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा में अगले 5 वर्ष में हम देखते हैं। चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, समय बहुत ही कम है, कौन से विभाग में आपको लगता है काम करने की भी और भी ज्यादा जरूरत है? आपका काफी विस्तृत पोर्टफोलियो है, कौन सा लगता है, क्या वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा, क्या कोल होगा, क्या वो पावर होगा, कौन सा वो विभाग आपको लगता है? जिस दिन व्यक्ति को आत्मनिर्भरता महसूस हो और लगे कि मैंने बहुत काम कर लिया, बहुत पा लिया, मैं समझता हूँ दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन। तो मुझे लगता है तीनों मंत्रालय में अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। हर एक घर तक बिजली पहुँचे, 2400 घंटे सस्ती अच्छी बिजली मिले, कोयले की पूरी इंपोर्ट को हम बंद कर पाएं और कोयले का भरमार हो देश में जिससे बिजली और सस्ती हो सके, नवीकरणीय ऊर्जा की हम ऐसे आसमान छुएं जिससे पूरे विश्व में महसूस हो कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन है, उसके लिए हमें बहुत अभी पुल पार करने हैं। तीनों मंत्रालय में काम बहुत है, समय कम है, कम समय में अधिक काम करने में जो स्वाद है उस स्वाद को हम आजकल पा रहे हैं। चलिए, तो पीयूष गोयल साहब साफ तौर पर कह रहे हैं, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। और लक्ष्य एक साफ तौर पर इस मंत्रालय का ये है कि दूर दराज के इलाकों में भी बिजली पहुंचे, 24 घंटे बिजली पहुंचे, सस्ती दर पर बिजली पहुंचे। तो शुक्रिया पीयूष गोयल साहब, आपने हमसे बातचीत की और साझा किए अपने विचार। तो आज की इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।